और ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि जो बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं वो आखिरकार हमारे सैनिकों पर, हमारी सेना पर पत्थरबाजी क्यों कर रहे बच्चों के हाथ में किसने थमाया पत्थर? कश्मीर के बच्चों को दहशत गर्दों से बचाओ, इंसाफ के लिए सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी क्यों? हम चाहते कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, हमें कल्प्रेट चाहिए, उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए। जिन बच्चों के हाथ में कागज कलम और किताबें होनी चाहिए, कश्मीर में उनके हाथों में पत्थर थमाए जा रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां की हैं। एक कोचिंग सेंटर के कुछ छात्र डिप्टी कमिश्नर के आवास के बाहर जमा हुए और कठुआ गैंगरेप के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन छात्रों में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं भी थी। छात्रों ने अचानक ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा बल किसी भी तरह की कार्रवाई से बचते रहे, लेकिन हंगामा बढ़ने पर हवाई फायरिंग कर छात्रों को भगाने की कोशिश की, लेकिन छात्र छिप छिप कर हमला करते रहे। कुछ छात्र आसपास के घरों की छतों से भी पत्थर फेंकते दिखाई दिए। हालात बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने स्मोक गन का इस्तेमाल कर छात्रों को डिप्टी कमिश्नर के आवास से भगाया। शोपिया में 12 आतंकियों के मारे जाने के बाद 1 अप्रैल से ही स्कूल और कॉलेज बंद है, लेकिन कोचिंग सेंटर में छात्र पढ़ने आते हैं। ये छात्र नापाक इरादों के शिकार हो रहे हैं। बांदीपुरा में भी पत्थरबाजों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आठ साल की बच्ची के लिए इंसाफ मांगने का ये कौन सा तरीका है? दहशतगर्द जब खुलकर सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो स्कूली बच्चों को मुहरा बनाकर उन्हें अपनी नापाक सोच का शिकार बना रहे हैं। कठुआ गैंगरेप मर्डर केस के गुनहगारों को सजा होनी ही चाहिए और सजा मिलेगी भी। सीबीआई जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई कर रहा है, फिर इंसाफ के नाम पर हिंसा का ये तांडव क्यों? शोपिया से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।